आज़ादी व चौ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। नकली सोना बैंक में रखकर 86 लाख रुपयों का चूना लगाने वाली टोली का पर्दाफाश। दरअसल सोलापुर शहर के जुड़वाईपेट पुलिस थाने में कैनरा बैंक के मैनेजर अनिल कुमार शाहपुरवाड़ ने फिरियाद दर्ज करवाई है कि शहर के मंगलवारपेट मजरेवाड़ी सात रस्ता और चाटे गली के 4 बैंक में सोने की शुद्धता जांच कर उसे असली होने का प्रमाण पत्र देने वाले बैंक कर्मचारी सुनील वेद पाठक ने 13 लोगों के साथ मिलकर इन बैंकों की शाखा से 2 किलो 255 ग्राम नकली सोना रखकर 85,93,300 रुपये का कर्ज लिया है। जुड़वाईपेट पुलिस ने आरोपी सुनील वेद पाठक, जावीद सैयद, हुसैन शेख, युवराज ढेरे, कार्तिक सारसंबी, जुबेर मुल्ला, शुभम शेड़के, जयवंत ढेकड़े, जैनुद्दीन शेख, सोमनाथ शेड़के, सुरेश मुड़े, गहनीनाथ शिंदे, कदीर पठान, उत्तरेश्वर बोबे के खिलाफ मामला दर्ज कर अगली जाँच में जुटी है। कहा जा रहा है कि इन आरोपियों में से जुबेर मुल्ला ने दोबारा नकली सोना लाकर कर्ज लेते हुए सारा मामला सामने आया, जिसके बाद बैंक मैनेजर ने सोना जांच करने वाले दूसरे आदमी को बुलवाकर सोना चेक करवाया तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया।